आज हम बनाएंगे सीम का भरता। ये बहुत जल्दी बन जाता है लेकिन बहुत ही टेस्टी है। उसके लिए मैं 250 ग्राम सीम ले लिए, उसका ये दोनों साइड उसका जो रेशा है इसको हम निकाल दिए। सारे सीमों का ऐसे दोनों साइड का रेशा निकाल दिया और अच्छे से धो के रख लिए। इसे हम एक सीटी दे के बॉईल कर लेंगे। तो चलिए पहले इसको बॉईल करते हैं। सीम को बॉईल करने के लिए हमने गैस पे कुकर चढ़ा दिए, उसमें दे रहे हैं आधा कप से भी कम पानी। ये देखिए आधा कप से भी कम पानी दे रहे हैं। साथ में ये जो सीम हमने रखे थे ये डाल दिए, रेशा निकाल के रखे थे। इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी एंड हाफ टी स्पून शुगर, हाफ टी स्पून शुगर, हाफ टी स्पून शुगर। बस इसको हम ढक के एक सीटी, ओनली वन सीटी हम इसे लगाएंगे। हमने सीम को एक सीटी लगा लिए, इसका ढक्कन भी अपने आप खुल चुका है। अब हम इसमें जो पानी है ना, ये जो पानी है इसको हम पूरा ड्राई कर लेंगे, इसी में चला के ड्राई कर लेंगे। और एक बार आप देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। कुकर कुकर ये भैरी करता है। आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा आपका सीम एक सीटी में ऐसे सॉफ्ट हो गया है कि नहीं। अब इसका पानी को हम बिल्कुल इसमें चलाते हुए ड्राई कर लेंगे। देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो इसे हम उतार लेंगे। अब हम सीम को ठंडा होने के लिए रख दिए और कढ़ाई चढ़ा दिए। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सरसों का तेल। सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, 1 टीस्पून सरसों का तेल, बहुत ही कम तेल यूज करेंगे। इसमें डालेंगे 3-4 कोआ लहसुन। लहसुन ये छोटा साइज है इसीलिए मैं 4-5 डाले हैं। आप साइज के हिसाब से डालिए। और एक हरी मिर्च, सॉरी एक लाल मिर्च, सूखा हुआ लाल मिर्च, इसको हम फ्राई कर लेंगे। गार्लिक को गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। देखिए गार्लिक गोल्डन हो चुका है। अब रेड मिर्च और गार्लिक को हम उठा लेंगे। अब उसी तेल में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काला जीरा या कलंजी और 1/2 टीस्पून सरसों मस्टर्ड सीड। अब दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ डाल देंगे एक मीडियम साइज का ऑनियन जो मोटे मोटे करके स्लाइस करा हुआ है। ऑनियन को भी हम लाइट ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा ऑनियन थोड़ा सा ब्राउनी होके फ्राई हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर रहे हैं और इसको उतार ले रहे हैं। अब ये सीम, ये ऑनियन, गार्लिक, मिर्ची को हम थोड़ा सा ठंडा कर लिए हैं। अब एक मिक्सी के जार ले लीजिए। अब ये सारे चीज मिक्सी में आप सिफ्ट कर दीजिए। अब इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती, एक हरी मिर्च, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि एक रेड मिर्च ऑलरेडी हमने डाल चुके हैं, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, ये भी अपने हिसाब से डालिए, और 1 टीस्पून नींबू का रस। ये गया 1 टीस्पून नींबू का रस। अब इसे हम दरदरा पेस्ट कर लेंगे। देखिए इसे हम दरदरा पीस लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल कच्चा, 1 टीस्पून कच्चा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और एक बार इसे घुमा लेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। हमारा सीम भरता
बिल्कुल रेडी टू सर्व है, गरम गरम राइस के साथ। ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही जल्दी बन जाता है ये सीम भरता। घर पे जरूर बनाइए और टेस्ट कीजिए, बहुत ही टेस्टी है ये सीम भरता।